morphology. We, let's continue with reproductive morphology. So last time we had done sepals, petals. Today we will do estivation. What is estivation? Estivation is the, you know, arrangement of sepals and petals in the bud state. Ki sepals and petals, let us say ye do sepals hai. Ye aise arrange hai, free hai. Ya ek dusre ko overlapping hai. Kis tarah se sepals or petals jo hai, wo arranged hai with respect to each other. So what is estivation? Arrangement of sepals or petals, arrangement of sepals or petals arrangement of sepals or petals in the floral bud, in the floral bud with respect to each other and with respect to, and या हम एंड ना कह के और कह लीजिए, और एक इसी को ही, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, एक ही बात है. विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. हमारे पास देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. इट इज वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्स. There are four types of estivation. VE कर लेना. Volvate, twisted, imbricate and vexillary. ये देखिए, पहले समझो इधर, पेन छोड़ दो एवरीबडी. हरगुन बेटा पहले इधर देखो. अगर हमारे पास फाइव सेपल्स एंड पेटल्स है फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फ्री है, हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डू नॉट ओवरलैप, देयर एंड्स आर फ्री and they do not overlap each other. This is called as volvate. पहले ध्यान से समझना है फिर बनाना है, अभी नहीं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे. अगर इस तरह से है, वन एंड ऑफ ईच सेपल और पेटल इज ओवरलैपिंग एंड अदर एंड इज ओवरलैप. हर एक का देखो, एक अंदर को है एंड और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है. This is called as
twisted. Her sepal or petal, एक एंड ओवरलैप्ड है, दूसरा ओवरलैपिंग है. आप थोड़ा सा सर्कल में बना लेना. दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड. उसके बाद इम्ब्रिकेट. एक जो है ये देखिए, इसके दोनों एंड्स ओवरलैपिंग है. यहाँ पे देखो, एक सेपल या पेटल दोनों एंड ओवरलैपिंग है, एक जिसके दोनों एंड्स ओवरलैप्ड है, बाकी जो तीन है उनका एक ओवरलैप्ड है और एक ओवरलैपिंग है. इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट. वन सेपल और पेटल it is completely overlapping, one sepal or petal is completely overlapped, other three have one end overlapping and another end overlapped. This is imbricate. And last is vexillary. Vexillary beta, this is the लार्जेस्ट पेटल, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड. ये दो छोटे हैं, इनको हम बोलते हैं विंग्स. और उसके बाद बेटा ये दो फ्यूज्ड है. ये दो पेटल्स फ्यूज्ड है, ये बनाते हैं कील. दिस इज स्टैंडर्ड और Vexillum, the largest petal. These are wings, and these two form keel. Fused petals. This is vexillum. Yaad rakhna hai, vexillary estivation. It is characteristic feature of family Pinionaceae. इसको हम बोलते हैं पी फैमिली. जो मटर की फैमिली है उसकी characteristic estivation है, that is vexillary. और This is also called as हम क्या इसको बोल देते हैं, Pipilionaceous estivation, vexillary estivation या Pipilionaceous, because it is characteristic feature of the family Pipilionaceae. उसके बाद volvate estivation. Example आ जाती है बेटा इसकी, केलोट्रोपिस. बेटा अपने पेरेंट्स से पूछना, उन्होंने अख का नाम जरूर सुना होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पूजते भी है एंड ऑल दैट. है ये वीड है, जंगली ग्रो करती है, ठीक है. दिस इज अख. एंड ये भी थोड़ा सा याद रखोगे अगर,
family, Asclepiadaceae. This is Calotropis, belongs to family Asclepiadaceae. Uske baad, next is twisted. Example iski aa jaati hai beta, hibiscus. Hibiscus iska pura naam aa jata hai, Hibiscus rosa chinensis. Commonly बोल देते हैं इसको China rose. Another is cotton. Another is ladyfinger. Ladyfinger का क्या नाम है? Hibiscus esculentus. And all these three belongs to family Malvaceae. All the three belongs to family Malvaceae. Next is imbricate estivation. Example आ जाती है Acacia fistula. Commonly इसको बोलते हैं बेटा अमलतास. Another is गुलमोहर. और ये आपको बता दिया पी फैमिली. एग्जाम्पल आ जाता है पी ग्राम बीन्स एटसेट्रा. ठीक है जी. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. बनाओ और एग्जाम्पल्स लिखो. आप कॉटन का भी लिख सकते हैं नाम गोसिपियम. गोसिपियम हर्स्यूटम बोल देते हैं बट आप गोसिपियम ही याद रख लो बहुत है. नेक्स्ट वी कम टू स्टेमल्स. ग्रुप ऑफ स्टेमल्स फॉर्म एंड्रोशियम. मेल सेक्स ऑर्गन in plants is called as androecium. Its single unit is called as stamen. It has two parts, filament and anther. Generally anther has two lobes. Joined by connector. कई बार there is single anther lobe. इसको हम कहते हैं मोनोथिकस एंथर. दिस इज डायाथिकस. टू एंथर लोब. समटाइम्स ध्यान से, अब ध्यान से मेरी बात सुनो. ये है पेटल. दिस इज पेटल.
statement is attached. Base से वो fused है petal के साथ. Base से fused with petal. It is called as epipetalous. Epipetalous means fused with petals. Then, no distinction of petals or sepal. It is sepal. Again, stamen is fused with tepal. Is condition ko bolte hai epiphyllous. Tepal, kya hota hai tepal? When there is no distinction of sepals or petals. अगर हम बात अब यहां पे करते हैं अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. अगर सिंपल इस तरह से है, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक फिक्स. अगर ये फिलामेंट इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द एंथर, इट इज डॉर्सी फिक्स्ड. साथ में लिखते जाना, फिलामेंट अटैच्ड एट द बैक ऑफ द एंथर. इफ द फिलामेंट रीचेस अप टू कनेक्टिव, it is called as adnate. If the filament is loosely attached, if the filament is loosely attached with the anther, बहुत हल्का सा अटैच्ड है, लूजली अटैच्ड, इट इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल. और याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रासेस. वर्सेटाइल एंथर्स, लूजली अटैच्ड विद द एंथर्स, फिलामेंट लूजली अटैच्ड विद द एंथर, दिस इज वर्सेटाइल. एग्जांपल है ग्रासेस. ठीक है, यहां भी एग्जाम्पल्स लिखते चलो. डायाफिकस एंथर्स मोस्ट कॉमन. जहां जहां जरूरी है वही एग्जाम्पल लिखाऊंगी. डायाफिकस एंथर्स मोस्ट कॉमन. मोनोथिकस मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी, कॉटन फैमिली, फैमिली मालवेसी. एग्जाम्पल लिख लीजिए हिबिस्कस, चाइना रोज. नेक्स्ट है एपीपेटलस कंडीशन. एपीपेटलस मैंने बताया था
anthers fused, sorry, stamens fused with petals. Example hai beta petunia. Petunia ko hum commonly kya dete hai, shoe flower. Another is solanum. Potato. Epipetalus. Uske baad hai epiphyllus. Example hai lily. Water lily. Example is water lily. In some cases, next point, but ye examples, attachment of filament and anther, sirf versatile ki maine batani thi, grasses. Baki kisi ki zarurat nahi. Next aa jaiye. The anthers produce pollen grains, that is male gametophyte. The anthers produce pollen grains. Mami niche wale rays. Achcha. The anthers produce pollen grains, that is male gametophyte. But in some cases, the anthers do not produce pollen grains. Anthers do not produce pollen grains. Such stamens are called as sterile or sterile stamens. Or also called as stamens. Such stamens are called as sterile stamens or stamens. Next step. अच्छा आपने बनाना था फर्गुन मैम ठीक है कुछ कर लोगे यस नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा द स्टेमन्स मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर द स्टेमन्स मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर ब्रैकेट में लिख लो पॉलीएंड्रस कंडीशन बहुत सारे स्टेमन्स हैं और एक दूसरे से फ्री है और दे मे बी फ्यूज्ड एट वेरियस लेवल दे मे बी फ्यूज्ड एट various levels that is synandrous hum 3 degrees karte hain ya 3 levels karte hain edelphus synandrous इसको हम सिंजिनेशियस भी बोलते हैं और फिनेंथ्रस मैम फिनेंथ्रस क्या था फिर इडेल्फस
सिनेंथ्रस या सिंजिनेशियस सीआईओयूएस और तीसरा सिन एंड्रस Several filaments are fused by their stamens only. If the stamens are fused by their filaments only, anthers free. It is adelphous. Synanthrous. Syn matlab fusion. Synanthrous, in which the stamens are fused by their anthers only, filaments free. हाँ लिख लो साथ साथ लिख लो मैं दोबारा लिखवा भी दूंगी कोई बात नहीं डायग्राम्स बना लो Or synanthrous. Just stamens are fused by their filaments as well as anthers. It is synanthrous. Adelphous me likho. When the stamens are fused by their filaments only, anthers are free. आप थोड़ा सा इसको खुला भी बना सकते हो मेरा मतलब इस तरह से भी करके बना सकते हो बट ये सब फ्यूज्ड है Adelphous, when the stamens are fused by their filaments only, anthers free. Uske baad, syngenaceous, when the stamens are fused by anthers. The filaments are free. Synanthrous, when the stamens are completely fused. Iski example hai cucurbita. Ghiya, tori. खीरे ये सब आ जाते हैं कुकर बिट्स ब्रैकेट में लिख लेना कुकम्बर ठीक है जी सिनेंथ्रस की एग्जांपल आ जाती है सनफ्लावर एडेल्फस की आगे कंडीशंस है
it fused to form one bunch. जैसे हमने एक ही ग्रुप बनाया सारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड है. इट इज कॉल्ड एज मोनोअडेल्फस. अगर ऐसे ऐसे दो ग्रुप्स हो देन इट इज डायाअडेल्फस. इफ दे फॉर्म मेनी बंचेस इट इज पॉलीअडेल्फस. Adelphus is further of three types, monoadelphus, diadelphus, and polyadelphus. Monoadelphus, example hai hibiscus. Diadelphus, example aa jati hai pea. Polyadelphus, example has citrus. Example is citrus. Bana liya bachcho ye sara? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाइए. इन सम प्लांट्स या आप ये कह लीजिए अरेंजमेंट ऑफ स्टेमल्स. नेक्स्ट आ जाइए. अरेंजमेंट ऑफ स्टेमल्स फर्स्ट आ जाइए. टेट्रा डायनेमस कंडीशन. टेट्रा डायनेमस कंडीशन टेट्राडायनेमस का क्या मतलब है? द स्टेमन्स. स्टेमन्स आर सिक्स इन नंबर. Arranged in two whorls, four inner short and two outer long. Four inner short stamens and two outer. ये थोड़ा सा ठीक करो. फोर इनर लॉन्ग. आई एम सॉरी. एंड टू आउटर शॉर्ट स्टेमन्स. देयर आर सिक्स स्टेमन्स. फोर इनर टू आउटर. फोर इनर लॉन्ग टू आउटर शॉर्ट. एग्जाम्पल है मस्टर्ड. ब्रेसिका. मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका. बी आर ए डबल एस आई सी ए ब्रेसिका. ब्रैकेट में लिख लो मस्टर्ड. उसके बाद एक आ जाता है डायाडायनेमस. फोर स्टेमन्स. Two long in inner whorl, and two short in outer whorl. Example आ जाते हैं बेटा तुलसी. ऑसिमम.
Possum is Tulsi. Possum or Tulsi. ठीक है जी, is it okay? एक स्टेटमेंट का बेटा थोड़ा सा हमने पहले भी डायग्राम बनाया था, फिलामेंट एंथर, हर एंथर में ना बेटा ये दो सैक्स है, these are called as microsporangia or pollen sac. क्योंकि typical anther में two anther lobes हैं, हर anther lobe में दो microsporangia है, तो typical anther में चार microsporangia है, so typical anther is tetrasporangiate, four microsporangia are there, which produce pollen grain. So pollen grains are produced in microsporangia or pollen sac. Next आ जाता है female sex organ. Female sex organ is called as gynoecium. Each unit of gynoecium is called as carpel. Each unit of gynoecium is called as carpel. The carpel has stigma, style, and ovule. Carpel has stigma, style, and ovule. The ovary, it bears single or more than one ovules. These are ovules. This structure is carpel or pistil. Stigma ka kya function hai? It receives pollen grains during ovulation, during pollination. It receives pollen grains during pollination. The style provides the passage for the pollen tube. Style का क्या function है? It provides passage for the pollen tube. Pollen tube carry male gametes. Pollen tube carry male gametes.
The ovules are also called as megasporangia. Ovules are also called as megasporangia, which bear female gametophyte. Or embryo sac. ये है ovule. Ovule में क्या है बेटा? ये इसकी wall layers है, integuments. The wall layer of ovule. The stalk of the ovule is funiculus. This part where integuments does not cover ovule is, पहले समझो फिर मैं लिखवाती हूँ आपको, micropyle. Inside ये सब सेल्स है, इन्वॉल्व यहाँ सब ऐसे ही सेल्स है. दिस इज कॉल्ड एज न्यू सेल. देख लो टिपिकल ओव्यूल हैज न्यू सेल्स covered by wall layers called as integuments. Covered by wall layers called as integuments. And a stalk. S-T-A-L-K. And a stalk called as funiculus. The part of the mucellus, the part of the mucellus which is not covered by integuments, which is not covered by integuments, is called as micropyle. The end opposite to micropyle is called as chalaza. The end opposite to micropyle is called as chalaza. Next are the types of ovules. सबसे पहला ये ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस और स्ट्रेट ओव्यूल. इसमें क्या है? माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकुलस इन स्ट्रेट लाइन. माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकुलस इन वन लाइन. That is orthotrophus. उसके बाद आ जाता है बेटा, अगर इसको हम 90 डिग्री पर घुमा दें, when funiculus is at right angles of micropyle, when funiculus is at right angles to the micropyle,
हेमीएनाट्रोपस पहले लिख लो फिर बना लेना हेमीएनाट्रोपस ये थोड़ा सा और कर्व हो गया मैम हेमीएनाट्रोफे के नीचे क्या लिखना है हेमीएनाट्रोपस के नीचे लिखिए व्हेन द क्यूनिकुलस इज एट राइट एंगल्स टू द माइक्रोफाइट ये है एम्फीट्रोपस When ovule is curved and is horseshoe shaped, इसकी शेप ऐसे लगती है जैसे हॉर्स का पांव होता है. When ovule is curved and is horseshoe shaped, it is amphitropous. और फिर बिल्कुल ही एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल व्हेन द माइक्रोपाइल इज नियर या व्हेन द फ्यूनिकुलस इज नियर माइक्रोपाइल व्हेन द फ्यूनिकुलस इज नियर माइक्रोपाइल It is most common ovule in flowering plants. It is most common ovule in flowering plants. हो गया बेटा ड्रॉ कर लिया हाँ जी अतिभा हरगुण बना लिया यस मैम उसके बाद ओव्यूल के अंदर आगे चेंजेस होते हैं या कुछ होते हैं वो हम बाद में बताएंगे भी क्या होते हैं बाद में मतलब ये सब प्लस टू में आ जाएगा बट आप यहाँ पे देखो ओव्यूल बियर Female gametophyte और जिसको हम और क्या बोलते हैं embryo sac and it embryo sac consists of female gamete or egg or ओस्फियर एग का एक और नाम है ओस्फियर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल Fertilized ovule forms seed.
and the ripe ovary form fruit or pericarp. Ripe ovary form fruit or pericarp. The fruit may bear single ovule or many ovules. ये देखो, ये letters से, your mango is there and it has single seed. ये ovary थी, उसमें एक ovule था, तो ovary of mango has single ovule. Another is, यहाँ पे ovary लिखे और यहाँ पे ovule लिखी. तो अगर coconut है, coconut में भी one ovule है, जो हम खाते हैं वो क्या है? That is seed only. उसके बाद अगर हम देखें citrus, orange में देखें, तो many ovules है. लीची में देखें single ovule है, ठीक है. Pomegranate many ovules. So an ovary may have single ovule or has many ovules. The part of the ovary wall where the ovules are attached is called as placenta. The part of the ovary wall with which the ovules are attached is called as placenta. Arrangement of attachment of ovules with ovary wall. इसको हम कहते हैं placentation. This is called as placentation. हमारे पास different types की placentation है. पहले तो हम types बात में करेंगे. If there is, next point कीजिए, if there is single carpel, the condition is called as monocarpelry. Two carpels, bicarpelry, या फिर many carpels, पॉलीकार्पेल.
if a flower has single carpel, monocarpel ring, two carpels, bicarpel ring, many carpels, polycarpel ring. In polycarpel ring condition, carpels free condition is called as apocarpel. If the carpels are fused, it is syncarpel. Agar carpels free hai, apocarpels. If the carpels are fused, it is syncarpal. Agar syncarpals jo hai, wo ek hi chamber bana rahe hai. If various carpels are fused and form single chamber, it is called as unilocular ovary. एक ओवरी बनी सब फ्यूज हो गए और उसमें एक ही चैम्बर है. इफ कार्पल्स आर फ्यूज्ड बट स्टिल फॉर्म्स मेनी चैम्बर्स. कार्पल्स फ्यूज है, एक ही ओवरी नजर आ रही है बट फिर भी उसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स है, देन इट इज multilocular ovary. It is multilocular ovary. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन. टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन. हमारे पास है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल, प्री सेंट्रल एंड basal presentation. एक ओवरी है उसके यहां से ये फ्यूज है, मतलब उसके दो एंड से एक ओवरी, ऐसे ही एक ओवरी है, एक ओवरी है ठीक है, और उसके एक ये सूचर है और एक ये सूचर है, फ्रंट में सूचर है और यहां से ज्वाइंट है, इधर से भी ज्वाइंट है और इधर से भी, मतलब दो ज्वाइंट्स नजर आ रहे हैं ठीक है. तो ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मोनोकार्पेलरी ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है. मोनोकार्पेलरी एक ही कार्पल है, यूनिलोक्यूलर एक ही चैम्बर है और जैसे आप मटर में देखते हैं यहां से ये सीड्स अटैच है, मटर के दाने अटैच है. दिस इज कॉल्ड एज
ventral suture. ये dorsal suture है जहां से हम खोलते हैं. This is marginal placentation. Exile placentation में बहुत सारे carpels हैं. Multicarpellary, thin carpus ovary. एक मिनट थोड़ा सा मैं ठीक हूँ मैंने. Multicarpellary, thin carpus ovary. ये देखिए ये fused है carpus. और जहां पे इनकी फ्यूजन है वहां पे प्लेसेंटा है. दिस इज प्लेसेंटा इन द सेंटर एंड हियर प्लेसेंटा से क्या अटैच्ड है? ओव्यूल्स अटैच्ड है. आप देखोगे लेडी फिंगर में देखो, काट के देखो उसको, टोमेटो में देखो उसका स्लाइस काट के देखो, तो आपको बीज ऐसे ही अटैच नजर आएंगे, है ना. टोमेटो में तो बहुत क्लियर देखना जरा, टोमेटो लो और उसका एक राउंड सा स्लाइस काटो, आपको बीच में नजर आएगा एक हार्ड सा पार्ट, दैट इज प्लेसेंटा. उसके आसपास सीड्स अटैच है. उसके बाद पेराइटल, मल्टी कार्पेलरी, thin carpus, unilocular ovary, एक ही चैम्बर है, placenta develops at the margins, यहां पे placenta है, placenta develops at the margins. Precentral, multicarpellary, thin carpus, unilocular ovary. Placenta develops in the center. यहाँ पे multicarpellary, thin carpus, multilocular था, यहाँ पे unilocular है. Basal placentation in which the placenta develops at the base of the ovary, basal placentation, placenta develops at the base of the ovary. There is single ovule only. ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लो. पहले ये बना लिया आप सबने? फर्स्ट आ जाते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल है पी, पी ग्राम एक्सेट्रा, पी ग्राम एक्सेट्रा. ओवरी इज मोनोकार्पेलरी, यूनिलोक्युलर. ओवरी इज मोनोकार्पेलरी, यूनिलोक्युलर. सेकेंड पॉइंट कीजिए, प्लेसेंटा डेवलप्स ऑन द वेंट्रल सूचर. प्लेसेंटा डेवलप्स
on the ventral suture, with which seeds are attached in a row. With which seeds are attached in the row. Second hai, exile placentation. Multicarpal syncarpus multilocular ovary. Multicarpal syncarpus multilocular ovary with placenta in the center. With placenta in the center. The ovules are attached with the placenta. Example aa jati hai beta. Tomato, ladyfinger, citrus, China rose, etc. Next step, pyritid. Develops in multicarpellary syncarpus unilocular ovary. Multicarpellary syncarpus unilocular ovary with placenta develops at the margins. With placenta develops at the margins or yahan kya keh sakte hain or on the peripheral wall or on the peripheral wall. इसी के नीचे लिखिए इन केस ऑफ मस्टर्ड. इन केस ऑफ मस्टर्ड एंड आर्जिमोन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम. There is development of ये septa होता है, ये septa है, but ये false septa है, true septa नहीं है. क्यों नहीं है? I will tell you later on. But अभी there is development of false septa called as replum. Due to which the ovary becomes multilocular. Ovary becomes multilocular. Next step, free central. Multicarpellary syncarpus unilocular ovary. Multicarpellary syncarpus unilocular ovary. Placenta in the center. Example है dianthus. Another is primrose. Example is central and primrose. Next step, basal placentation. Mom, example kya hai? Dianthus and primrose. PRIMEROSE. Next step, basal. Monocarpellary unilocular ovary. Monocarpellary
unilocular ovary, placenta. Next point करके placenta develops at the base of the ovary, which bears a single ovule. Which bears single ovule. Example है sunflower. Another is marigold. Dahlia, etc. Sunflower, marigold, dahlia, etc. This is placentation. So these are the types of placentation. ठीक है जी? अब हमारा थोड़ा सा रह गया स्टाइल के बारे में कुछ बताऊंगी. स्टिग्मा के बारे में बताएंगे, कुछ सीड्स और फ्रूट्स के बारे में बताएंगे और दो फैमिलीज का. वन मोर लेक्चर इज रिक्वायर्ड एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल टेक द लेक्चर डे आफ्टर टुमारो. ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही करेंगे.